हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एपके गुरु चैनल। दोस्तों, आज मैं तीन चार सवाल जो है जो बच्ची बच्चे का जो पैदा होता है उसे रिलेटेड ही है, तो मैं आपको बताऊंगा कि बच्चा को कैसे दूध पिलाना है या कब तक बच्चा को दूध देना है, यानी कितना महीना तक, या फिर अगर दूध बकरी या मर गई तो बकरा को कौन सा दूध या बकरी को बच्चा को कौन सा दूध आप पिला सकते हैं, ये सब चीज़ पे आज इस वीडियो में आपको बात करूँगा। सबसे पहला बात है, अगर मान लीजिए बकरी जब बच्चा पैदा कर रही है, बच्चा पैदा होने के बाद आपको जो सफाई पे करना है सफाई पे कर दीजिए, और सफाई पे करने के बाद क्या है, जो बकरी का थान है उसको गर्म पानी से धोकर आप, यानी सुषुम गर्म पानी से धोकर आप 20 से 25 मिनट के बाद आप बच्चा को दूध पिलाना है। अब रहा बात आपको कितना पिलाना है, बच्चा का दूध आपको जितनी बकरी के बच्चा का जो वेट है, जो बच्चा का वेट है उससे आपको 10%, यानी आपको 1 केजी का बच्चा है तो 100 ग्राम आपको दूध पिलाना है, यानी 100 ग्राम आपको उसको दूध पिलाना है। आप बात समझ गए, मगर उस दूध को आपको एक बार में नहीं पिलाना, 3 बार 4 बार 5 बार में करके आपको उस दूध को एक दिन में पिलाना है उस बच्चा को। उसके बाद बात करते हैं कि मान लीजिए अगर वो बच्चा बकरी मर गई तो उसको दूध कैसे पिलाएं, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा, या तो दूसरी बकरी है अगर वो दूध पिलाती है ठीक है, या फिर उसका दूध निकाल के पिलाना पड़ेगा, या फिर गाय का दूध देना पड़ेगा लाकर आपको। मान लीजिए बकरी अगर मर गई तो आपको कोई चीज़ करना पड़ेगा। रहा बात किस चीज़ से पिलाएं, आप चुसनी होता है चुसनी से पिला सकते हैं, या फिर आपको चम्मच से पिला सकते हैं। और उसके बाद दूसरा आपको है कि आप थोप थोप जो होता है ड्रॉप के साथ है उससे पिला सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि सिरिंज के द्वारा, जैसे मुंह के अंदर सिरिंज डाल दिए और दूध को एक बार डाल दिए, उससे क्या होता है जो हवा उसके साथ जाता है उससे बकरी को गला में प्रॉब्लम होता है, और उससे बकरी का बच्चा जो मर भी सकते हैं क्योंकि बहुत नाजुक होता है। इसके लिए ये चीज़ से आप बचें, आप उसको चम्मच से पिलाइए चुसनी से पिलाइए, और नहीं तो आप ड्रॉप द्वारा आप पिला सकते हैं। दूसरा बात है कि अगर आपको कोई भी दूध नहीं मिल रहा है तो जो बच्चा के लिए पाउडर का दूध आता है उसको भी आप पानी में घोलकर बकरी के बच्चा को आप पिला सकते हैं। उसके बाद है कि कब बकरी का बच्चा घास उस खाना चालू करता है, तब बकरी का बच्चा जो है 20 से 25 दिन के बाद से आपको जो नरम जो घास होता है जो पतला छोटा छोटा नरम होता है वो खाना चालू कर देता है। उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा वो खाना चालू कर देता है। आप क्या कीजिए, 1 महीना जब होता है थोड़ा दूध कम कराइए, फिर थोड़ा सा खाने के लिए घास उस दीजिए, उसके 2 महीना का हो तो कम कीजिए, 3 से 4 महीने के अंदर उसको पूरा छुड़ा दीजिए उसको, और वो फिर आपको घास पे या जो दाना उन्हें जो खिलाते हैं उस पर आप लेके चलाइए। इससे बकरी को क्या होगा, बकरी का भी लाइफ सेट होगा, बच्चा भी आपको सही रहेगा। अगर ऐसे ही बच्चा अगर आपका मान लीजिए बच्चा बकरी है ही नहीं है दूध, तो आपको पाउडर जो दूध है गाय का दूध इतना दिन तक आपको कम से कम 3 महीना तक आपको पिलाना पड़ेगा। तो ये चीज़ था आपको। मगर जो अगर बकरी जिंदा है तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए 20 से 25 मिनट के बाद पहला दूध पिलाएं, क्योंकि उसमें जो है विटामिन ए और विटामिन डी पाया जाता है जो बकरी के बच्चे के लिए बहुत ही फायदा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।